हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोज किचन। आज हम बनाएंगे झारखंड की स्पेशल डिश दुस्का। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, छोटे चावल लिए हैं, आधा कप चने की दाल और नमक। इन दोनों को हम मिक्स करके भिगो देंगे 3-4 घंटे के लिए और फिर इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये चावल दाल का स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार है। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया, आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और इसे हम ऐसा मतलब इसमें पानी, ये पतली गड्ढा है, इसे हम पानी डाल करके थोड़ा पतला कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी मिला करके इसे पतला करेंगे। इसे हमें तेल में तलना है तो ये गिरना चाहिए। ये देखिए, अब ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसे हम फ्राई करते हैं। बैटर को गिराने के लिए हमें एक गहरा चम्मच चाहिए होगा, उसे ही हम इसे बनाएंगे। मेरे पास ये गहरा चम्मच है, इसे मैं बनाऊंगी। गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ाया था, ये गर्म हो गया है। अब हम एक चम्मच में इतना मैंने बैटर इसमें फिल कर लिया है। अब इसे तेल गर्म होने के बाद में ऐसे गिरा देंगे। अभी ये देखिए फूल गया है एक तरफ, अब इसे हम पलट करके दूसरी तरफ पका लेंगे ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये दूसरी तरफ भी पक गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। मेरे कढ़ाई में एक एक डालने की जगह है। अगर आपका बर्तन चौड़ा है तो आप इसमें 2-3 भी इसे तल करके निकाल सकते हैं। तो मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। एक मैंने निकाल लिया, इसी तरह से हम दूसरा भी, और ऐसे ही करके हम एक एक करके सारे निकाल करके रुक के रख लेंगे बाहर। दुस्का बन करके तैयार है। चटपटी रसेदार आलू की सब्जी के साथ में इसे सर्व करें और इंजॉय करें। अपने फीडबैक, कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, बाय।